दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल डीजे व्लॉग्स और स्वागत है आप सभी का। आज हम आए हैं वर्धा अंजनेया मंदिर में, तो जिसका कि मतलब है वर देने वाले अंजनी पुत्र हनुमान जी। तो आज मंगल का दिन है, तो हमने सोचा कि आज मंदिर चलते हैं और आइए आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराते हैं और इसके बारे में जानकारी भी देंगे। यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इस मंदिर के बारे में कि क्या क्या इसमें खासियत है और ये कहते हैं मंदिर क्यों स्पेशल है। पुजारी जी हैं आगे, उनसे पूछते हैं ये मंदिर कब बना था और किसने बनवाया था। पंडित जी कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में। जय श्री राम, जय श्री राम। ये 35 साल पुराना है, ये गांव का लोग ने उसका भलाई के लिए ये इधर प्रतिष्ठा किया है जी। 35 साल मतलब ये मूर्ति तो छोटा सा है जी, लेकिन पावर तो इतना बड़ा है। ये सभी क्या क्या प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यूज, उसका पूरा निवारण करता है। हेल्थ इश्यूज के बारे में ये संजीवनी आंजने मतलब वो, और एक इसका स्पेशलिटी ये है, ये कारी सिद्धि आंजने बोलते हैं, क्योंकि उसका फेस है ना नॉर्थ साइड को है। वो नॉर्थ साइड का मतलब नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, इसका मतलब है वो लंका को जाके सीता माई को देखने के बाद वापस लौट के राम को बताने के लिए वापस आता है ना, ऐसे पोस्चर है ये, इसीलिए कार्य सिद्धि आंजनेय बोलता है इसे। इधर आके इधर इतना सब कुछ नहीं मांगते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा सेवा करते ऐसे नहीं मांगते हैं, भक्ति से प्रार्थना किया तो ये पक्का कार्य करके देता है। कुछ भी काम करने के लिए त्रिकरण पूर्वक से करना है बोलता है, काय न वाचा मनसा। ये प्रदक्षिणा करने से कोई भी किसी भी मंदिर में जाके प्रदक्षिणा करने से आपका पूरा ये हेल्थ इश्यूज है ना वो पूरा निवारण होता है, क्योंकि माइंड कॉन्सेंट्रेशन ये एक तीनों को एक एक लिंक है, बॉडी को, माइंड को और हमारे बात को भी, ये तीनों कंट्रोल में आ गए तो पूरा काम सफल होता है। कैसे त्रिकरण पूर्वक करना है बोलता है, त्रिकरण पूर्वक का मतलब काय नवाचा मनसा, काय आप प्रदक्षिणा किया तो आपका बॉडी राउंड मारता ही रहता है, वाचा मुंह से कुछ जय बजरंगबली, श्री राम ऐसे वर्ड्स आता ही रहता है, मंत्र आता ही रहता है, कुछ भी मंत्र आपको क्या मालूम है क्या जानते हैं उतना ही बोल देना। और माइंड कॉन्सेंट्रेशन भगवान के ये सेंट्रल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, उसके उसके ऊपर मन लगाए तो, मन लगा के प्रदर्शन किया तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हम तो आजकल हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम पूरा छोड़ दिए, आते हैं मोबाइल पकड़ के एक एक प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग ऐसे ईयरफोन लगा के, नहीं तो ब्लूटूथ लगा के प्रदर्शन करते हैं, कोई फायदा नहीं जी। प्रदर्शन करना है तो मन से करिए, मन से करना है। हाँ,
और एक बात है, 108 प्रदर्शन करो, आपको कोई चिंता जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 108 नमस्कार करना है उठने में। नमस्कार किया तो आप उठते हैं, बाद में फिर चलते हैं, उठते नमस्कार करते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, ऐसे किया तो कोई पूरा जॉइंट्स सभी, इसीलिए हमारा पूर्वज ऐसे बना के रखते हैं, प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा नमस्कार समर्पण बोलते हैं लास्ट में, क्योंकि वो और एक बात है, वो सरेंडर है, भगवान को सरेंडर होना है, शरणागति होना है, शरणागति तुम्ही समर्पित करना है अपने आप को, तुम्हारे बिना और कोई नहीं है, मुझे ऐसे बोल के नमस्कार किया तो पूरा देता है। जैसे एक बुढ़े आदमी लकड़ी पकड़ के जाता है ना, वो लकड़ी मुझे गिरने को नहीं देते हैं, वो लेकिन वो लकड़ी को ही खुद ही उठा के लेके जाना है, नेक्स्ट टाइम के लिए वही उठा के लेके जाना है। भगवान भी ऐसे है, गिरने को नहीं देते हैं, लेकिन लकड़ी को उठा के जाना है, भगवान का हमारे साथ लेके जाना है तो गिरने को नहीं देते, समझ गए ना, वही है। भगवान को शरणागति होना है, किधर भी किसी भी आपका मन चाहे भगवान को, इष्ट देवता को पूरा शरीर होके उसको नमस्कार कीजिए, सभी कुछ सब कुछ मिलता है, सभी से कौन है सब कुछ मिलता है। जय बजरंग बली। वरदांजनेय स्वामी टेम्पल, साथ में राम भी है जी, सीता लक्ष्मण का साथ राम भी है, उसका भी परिवार है। राम का नाम लिया तो वो खुद ही आता है, बुलाने की जरूरत नहीं, हनुमान तो वही स्पेशलिस्ट है, हनुमान के नाम नहीं आए तो राम 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 बोल दो वो खुद ही आता है, खुद ही आता है, क्योंकि काशी में देखो राम नाम सत्य बोलता है, लेके जाता है ना वो टाइम, वो खुद शिव जी ने काशी में सभी के कान में जो बुद्धि लोग मरने वाला है उसके कान में आके बोलते हैं राम 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 बोलते हैं, वो सुन के बाद में स्वर्ग को कहते हैं। ऐसे राम को राम नाम जब दे तो हमारे अंदर भी वायु देव है, ये वायु का पुत्र है, हम सांस लेते हैं ना वो वायु है, इसलिए राम का नाम लिया तो वो अंदर बैठे है, राम का नाम नहीं लिया तो वो अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से वायुदेव अंदर से बाहर गए तो हमारे बॉडी पे बाहर रह गया, समझ गए ना, उसमें ही है वो ट्रू है, वो शिव जी ने बताया राम नाम ले लो, राम नाम ले लो, बोल वो तावीज छोटा 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 चीज के लिए नजर लगता है, बाद में दुख होता है, वो बॉडी पेन होता है, कुछ क्रॉस करता है ना, इसीलिए पूरा वो तावीज है। अच्छा, बाद में उसका नाम लेके हम तो कुछ करते हैं, बाकी काम भी करके देते हैं, आपका कोई मंत्र माट वशीकरण विद्या सभी कुछ प्रयोग किया तो उसका भी निकल के देता है, उसमें उसका नाम लेगा, इतना पावरफुल है। जानते हैं बजरंग बली तो फुल पावरफुल है, बजरंग बली तो पावरफुल ही है, लेकिन उसका देखो उसको जगाना है, उसको पाना है, जगाने के लिए बल था, बजरंग बली बोला तो उससे पहले उसके पास बल था जी, लेकिन जाम्बवंत ने उसको जगा दिया, जगाया, बल जगाया, हाँ, नहीं तो वो लंका को नहीं जाता था, मुनि के श्राप की वजह से उनका बल उसको जगाना है, हो गया था। हर एक आदमी उसका अंत शक्ति को जगाना है, अंदर से उसका पावर को जगाना है, वो काम हम करते हैं, सारे सिद्धि आंजने। थैंक यू पंडित जी, जय बजरंग बली।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम इसका लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगर आपको कभी यहाँ पर विज़िट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लोकेशन से आ सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राम, जय हनुमान, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहें। जय श्री राम।